मैं विवान वाजपेयी आज आपको देशभक्ति की कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मैं भारत का जवान हूं। इसका रचयिता है नवीन चौधरी। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं रुस्तम की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं धूल में जलती रेत पर लेकर कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस वो टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदम जाति औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता। मेरी माँ का पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, मेरा पिता मेरे इंतजार में बूढ़े हो गए। हाँ मैं निर्दय हूँ, हाँ मैं निर्दय हूँ। मैं अपने उजड़े घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के साथ के कातिल सफोलों से। मुझे डर है मेरी सरजमीन को मेरे अपने उजाड़े के, खून के मोहर से खुद को सवारे के। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं मुझसे डर नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तो मन जरा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सभी कि हमने हड्डियों को तोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इसे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो, युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पे खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। अंत में इस कविता के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी जवान या आर्मी ऑफिसर से मिले, उन्हें सलाम जरूर करें। जय हिंद।